मिनिमम स्पीड चाहिए। हमारे किसान भाइयों को बहुत दिक्कत रहती है, जैसे कि मान लो टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव में ये डरते हैं कि फोर व्हील ड्राइव में मतलब खर्चा ज्यादा रहता है आगे चल के भविष्य में, या फिर फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर एवरेज ज्यादा मतलब खराब देते हैं, ये इसमें आप क्या कहना चाहती हैं? आप कोई भी टू व्हील ट्रैक्टर और फोर व्हील ट्रैक्टर को आप कंपेयर करोगे तो किसान भाइयों राम राम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो किसान भाइयों आज हम आपको दिखा रहे हैं जो CIDI ट्रैक्टर है जॉन डियर का 5310। तो ये हमारे भाई आए हैं कंपनी की तरफ से, ये आपको थोड़ी इसमें जानकारी दे देंगे जो पिछला वाला ट्रैक्टर जो 5310 आता था नॉर्मल वाला, उससे इसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या इसमें बदलाव किए हैं कंपनी ने। नमस्कार जी, ये पहले अपने पास 53 हॉर्स पावर जो 5310 है 55 हॉर्स पावर में आता था। हाँ, 55 अभी हमने इसको बूस्ट करके CIDI में लॉन्च करके इसको हम CIDI ना बोल के कॉमन रेल ड्रिल बोलते हैं। अच्छा, तो इसको हमने 57 हॉर्स पावर में लॉन्च किया है। अच्छा। दूसरा हमने इसको दो मोड में डाला है, इकोनॉमी मोड स्टैंडर्ड मोड। इकोनॉमी मोड में ये 52 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है और स्टैंडर्ड मोड में। तो इकोनॉमी मोड का मतलब फायदा क्या क्या है इसमें? इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आप इस ट्रैक्टर को मल्टी यूज में ले सकते हैं, कम हॉर्स पावर में अगर आपको यूज में लेना है तो आप इकोनॉमी मोड पे चलाओ। अच्छा, इकोनॉमी मोड पे चलाओगे तो ये 52 हॉर्स पावर में काम करेगा। अच्छा। 57 हॉर्स पावर जितना डीजल कंजप्शन नहीं होगा तो इसका डीजल कंजप्शन कम रहेगा। कहीं आपको जैसे ज्यादा पावर की जरूरत है तो 57 HP में आप चला सकते हैं। अगर इसमें एक सिंपल बटन ही है जैसा आप टाइप भी सकते हो कि अगर आप बटन यूज करते हो तो स्टैंडर्ड में चले जाओगे। 57 हॉर्स पावर पूरा आप कंजप्शन ले सकते हो, बट कहीं पे आपको लग रहा है कि 57 हॉर्स पावर की आपको जरूरत नहीं है, 52 हॉर्स पावर में आपका काम हो सकता है, तो इकोनॉमी मोड में आप चलाओ जिससे आपका डीजल कंजप्शन कम हो। तो हमारे जो किसान भाई हैं संपर्क में जुड़े हैं, उन लोगों को एक डर है कि जैसे मान लो ये CIDI ट्रैक्टर है, इसमें पूरा टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक कर दी गई है, मान लो कोई भी दिक्कत आ गई चलते हुए बीच फील्ड में किसान को मतलब, और फिर इस ट्रैक्टर में मतलब इसको कौन सुधारेगा, मतलब बीच खेत में अगर बंद हो गया ये कहीं जा भी नहीं सकता अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम आ गई, और किसान इतना जानते भी नहीं है। तो इसके अंदर ना हमने 13 सेंसर लगा रखे हैं। अच्छा, कोई भी दिक्कत आती है हाँ। तो इसमें एक फैसिलिटी हमने दे रखी है कि आप डीलरशिप को भी इसकी अथॉरिटी दे सकते हो हाँ। और आप खुद पे भी ले सकते हो और कंपनी को चाहे कंपनी को भी दे सकते हो। अच्छा। कुछ भी इसमें पुर्जा जो थोड़ा बहुत खराब होने की कंडीशन में आएगा उससे पहले ही आपको ये एक अलर्ट भेजता रहेगा। अच्छा अच्छा, अलर्ट भेजेगा तो उससे हमें पहले ही पता चल जाएगा कि इसमें ये फॉल्ट आने वाला है। दूसरा, अगर बाय चांस मशीनरी है कोई फॉल्ट आ भी जाता है तो हमारी हर डीलरशिप पे, जॉन डियर की कोई भी ऑल इंडिया में ऐसी डीलरशिप नहीं है जहां हमारे पास ट्रेंड इसका DS टेक्नीशियन नहीं हो। अच्छा। हमने ऑल इक्विपमेंट्स विद सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और ट्रेंड टेक्नीशियन हर डीलरशिप पे अवेलेबल कर रखा है। अच्छा। और इसको बिल करने से पहले कंपनी ने हर डीलरशिप पे इसका स्पेयर पार्ट भी बिल कर रखा है ताकि कोई इशू डीलर को, जैसे कोई वैसी दिक्कत आ भी जाती है तो डीलर मतलब एजेंसी से सीधे आ जाएगा किसान के पास बंदा। आपको ऐसी जरूरत नहीं है कि 2 दिन लगेंगे 4 दिन लगेंगे इंजीनियर आएगा वो होगा ये होगा, ऐसा नहीं है। आप जिस भी डीलरशिप पे जाओगे वहीं पे आपको इसका मैकेनिक मिलेगा और सारी चीजें आपकी रिजोल्व करेगा। और इसमें थोड़ी बहुत बता दीजिए आप जो ज्यादा मतलब चेंज कर दिए गए वहाँ फीचर्स थोड़े, जैसे इसमें पहले इतने सेंसर नहीं थे, 13 सेंसर दिए हर इक्विपमेंट के ऊपर हमने सेंसर दिया। इसका हमने लुक भी चेंज किया है, आगे क्रोम फिनिश वगैरह देके LED हेडलैम्प दिए जो हैं। इसका हमने ये वाला दिख रहा है रेस वाला, इसमें कुछ अलग चेंज कैसे दिख रहा है पहले से? ये एक्सीलेटर पेडल है इसमें लिफ्ट में, सेफ्टी पर्पज से इसको हमने एक बॉक्स के रूप में डाला है ताकि इसका लाइफ इसकी हम इंक्रीज कर सकें। दूसरा, हमने हर एक पेडल को सस्पेंडेड रूप दिया, आप देख रहे होंगे गाड़ियों की तरह सस्पेंडेड पेडल है इसमें, ना कि काफी स्मूथ होगा वैसे दबाने में, स्मूथ भी है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है इसकी वजह से चाबी से ही ऑन ऑफ का इसमें अंदर फंक्शन है। अच्छा। दूसरा, इसका स्टेयरिंग भी आप देख रहे होंगे टिल्ट स्टेयरिंग है। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा कर दिया, किसान अपने हिसाब से कैसे भी एडजस्ट कर सकता है इसको, अपनी हाइट के हिसाब से हम इसको ऊपर बैठ के किसान कर सकता है। और पीछे वाली सिंपल बटन दे रखा है, सीट भी इसकी मूवेबल है पूरी कंप्लीट। अच्छा, ऊपर नीचे वो भी हो जाएगी अपने एडजस्ट, एडजस्टेबल है। इसमें एक PR फिक्चर्स भी है कि आपको विदाउट क्लच दबाए आप ट्रैक्टर को एक गियर पे सेट कर दो एक बार, तो इसको आप एक बार करके दिखा दीजिए बस ये वाला, इसको एक बार जिसमें आपको एक बार क्लच दबा के जिस भी गियर पे जिस स्पीड पे आपने जितने RPM पे सेट कर, वो मतलब लोडर वगैरह में काम आता है शायद वो चीज, लोडर वगैरह में वो यहाँ पे ऑप्शन होता है आगे पीछे जो भी आपने करना है वो आप कर लोगे। दूसरा, हमने हैंड, इस मॉडल की भी बात करें तो हैंड गियर भी दे रखा है, नहीं हैंड एक्सीलेटर भी दे रखा है फुट एक्सीलेटर के साथ साथ। अच्छा। दूसरा, आप ये स्टिकर देख रहे होगे ना यहाँ पे पावर टेक गियर प्रो, इसका गियर प्रो का क्या मतलब है? ये दो वर्ड है, पावर टेक का मतलब है कि पावर अप की हुई है पहले से,
पहले से 55 से 57 कर दिया। गियर प्रो का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ गियर्स ज्यादा है। अच्छा, कि जैसे आपने देखा होगा उस साइड क्या है, लो हाई मीडियम है बस उस साइड। ये इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन गियर, 1 2 3 4 और रिवर्स पार्किंग। उधर है इसमें 3 गियर, 1 2 3 और रिवर्स, और ये न्यूट्रल और पार्किंग। उधर है ए बी सी डी। अच्छा, 4 कर दिए। हाँ, 4 कर दिए, पहले 3 आते थे। तो ये क्या है, 12+4 गियर। तो कोई भी कंपनी 4 नहीं देती है, 4 रेंज नहीं, कोई भी रेंज नहीं देती। ये ट्रांसमिशन गियर होता है आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। अच्छा, वो होता है रेंज गियर। अच्छा अच्छा, आपको हर एक गियर में कितनी कितनी स्पीड वेरिएंट दे रहे हैं। अगर आपको सपोज हैरो चलानी है तो 8 से 10 की स्पीड चाहिए, तो आप उस गियर के हिसाब से चला लो। आपको सुपर सीडर चलाना है तो आपको मिनिमम स्पीड चाहिए। हमारे किसान भाइयों को बहुत दिक्कत रहती है, जैसे कि मान लो 2-व्हील ड्राइव और 4-व्हील ड्राइव में ये डरते हैं कि 4-व्हील ड्राइव में मतलब खर्चा ज्यादा रहता है आगे चल के भविष्य में, या फिर 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर एवरेज ज्यादा मतलब खराब देते हैं, ये इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आप कोई भी 2-व्हील ट्रैक्टर और 4-व्हील ट्रैक्टर को आप कंपेयर करोगे तो किसी भी कंपनी का 4-व्हील ट्रैक्टर उसके 2-व्हील से कम डीजल खाएगा। अच्छा, 4-व्हील कम खाएगा। हाँ, 4-व्हील में क्या होता है कि वो ज्यादा पकड़ करके जमीन पे चलेगा। अच्छा, तो उसका क्या है, फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि जिसकी वजह से टायर जो है स्लीपेज कम काटेगा। हाँ, जैसे स्लीपेज कम काटेगा ना तो आरपीएम ड्रॉप नहीं करेगा, आरपीएम ड्रॉप नहीं करेगा तो डीजल कम खाएगा, कम खाएगा। दूसरा बात करते हैं मेंटेनेंस की ना, तो 4-व्हील में एज कम्पेयर 2-व्हील के कंपेरिजन में मेंटेनेंस भी कम होती है। अच्छा, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट आप देखोगे तो उससे काफी, एक टाइप से यू कह सकते हो कि 50% ही रहेगा। दूसरा, आप 4 से 5 हॉर्स पावर आपकी बढ़ जाती है 2-व्हील के कंपैरिजन में 4-व्हील की वजह से, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्लीपेज नहीं होगा तो पावर ज्यादा जनरेट। लिफ्ट कैपेसिटी इसकी कितनी आती है, 57 HP में? 57 HP में अभी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है। हम इसको एक ऑप्शनली हम इसको 2500 kgf तक बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जो कि अभी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। ठीक है, और सर्विस की बात करें, कितने घंटे में इसकी सर्विस होती है? आज तक इंडस्ट्री में सबके पास 200 से 250 घंटे में सर्विस होती थी, बट इसमें हमने 500 घंटे का सर्विस इंटरवल लिया है, जिससे क्या है, सर्विस कॉस्ट भी इसकी कम है। अगर आप पहले के 53-10 के कंपैरिजन में इसकी सर्विस कॉस्ट देखोगे तो उसकी 2 सर्विस की जगह इसकी 1 सर्विस होगी। इतना कम खर्चा क्यों हो गया इसका? अरे खर्चा इसीलिए कम किया है ना, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी बड़ी है। इसमें कुछ फिल्टर वगैरह भी पहले से कम दिख रहे हैं हमको। नहीं, फिल्टर तो उतने ही है इसके अंदर। अच्छा, बट इसमें पंप नहीं है। अच्छा, इसमें पंप नहीं है, डीजल पावर पंप नहीं है। सर्कुलेट करने के लिए पंप नहीं है, इंजेक्टर से ही डायरेक्टली जाता है, तो उसकी वजह से आपका डीजल लाइन भी कम है। मान लो ट्रैक्टर जैसे एयर वेयर मार गया, एयर हो गई, जैसे एयर लग गई, डीजल कम खत्म हो गया किसान का, तो वो क्या है, अपने किसान पहले उसको पंप, सादा पंप आता था नॉर्मल वाला, उससे पंप से एयर निकल जाती थी, पंप नहीं दे पाएगा। तो मान लो इसमें डायरेक्टली गाड़ियों की तरह स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, चाबी आप ऑन करोगे, इग्निशन ऑटोमेटिक। तो किसान भाइयों धन्यवाद, बहुत अच्छी इसमें सुधार किया गया है जॉन डियर कंपनी में। तो भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों, और काफी दमदार ट्रैक्टर है, वैसे बहुत आरामदायक भी है, हमारे किसान बिल्कुल थकेंगे नहीं इसको चलाते टाइम। वो आप लोग देख सकते हैं लुक वाइज भी ट्रैक्टर काफी दमदार है। पिछले टायर साइज की बात करें तो 16x28 के इसके पिछले वाले टायर मिल जाएंगे, और अगले टायर की बात करें तो 9x5x24 के इसके अगले टायर मिल जाएंगे। देखिए, और इसके जो प्लेटफॉर्म है वो भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा बम्प है, उससे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है नहीं और नॉर्मल है। और आप लोग देख सकते हैं ये बहुत अच्छा सुधार किया गया है, ए बी सी डी इसमें ये बहुत अच्छा सुधार किया गया है किसान भाइयों। और बड़े कंफर्ट से हम बैठ सकते हैं इस पर, मतलब कहीं भी पैर वैर नहीं अट रहे हैं, बहुत आरामदायक ट्रैक्टर है किसान भाइयों। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से इसकी स्टीयरिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए किसान भाइयों, आप इसको लीवर को ऊपर नीचे कर सकते हैं उसी हिसाब से।